नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, PTET 2019 से रिलेटेड और प्री BSTC 2019 से रिलेटेड जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था रीजनिंग का, जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में से थे, तो स्टूडेंट्स की उस वीडियो के ऊपर काफ़ी कमेंट्स आई हैं। इस तरह में जो वर्णमाला है वो याद नहीं है, उसके लिए याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स या फिर किसी भी तरीके से वर्णमाला है वो हमें याद करवाइए। तो देखिए, ये जो चैप्टर ना कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो सारा चैप्टर इसी वर्णमाला के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर आपको ये जो वर्णमाला है ABCD से लेकर XYZ तक, अगर ये सारे कंठस्थ याद हैं, इनके उल्टे क्रम याद हैं, तब तो कोई बात नहीं। अगर याद नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक आपको वर्ण है वो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ये वीडियो खत्म होते ही आपको सारे वर्ड वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक वाइट पेज ले लेना है अपने पास में, और उस पर इस तरीके से लिख लेना जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। एक बार आप देख लीजिए वीडियो, पूरा होने के बाद में खुद से प्रैक्टिस करना और देखना कि आपको कितने वर्ण है वो अच्छी तरीके से याद हुए हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है ए से लेकर यहाँ से जेड तक ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। इस तरीके से मैंने लास्ट में एम तक लिखा है, क्योंकि एम का जो प्रथम अर्धांश होता है ABCD का, वो एम तक होता है। टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। उसमें से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? 13 आएंगे। यानी कि जो एम होता है वो कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। यानी कि प्रथम अर्धांश होता है, उसके बाद में दूसरा अर्धांश होता है वो एन से शुरू होता है, और वो कहाँ तक चलता है? जेड तक चलता है। तो इस तरीके से दो अर्धांश में जो ABCD होती है आपकी, वो बटी हुई होती है। तो मैंने प्रथम अर्धांश है वो ऊपर लिखा है, ए से बी सी डी ई एफ, और बाद में इस तरीके से एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से राइट साइड से लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर आपको नीचे लिख रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि आपको ये बताना है कि ए के अपोजिट में क्या आता है? जेड आता है। ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट में क्या आता है? वाई आता है, सी के अपोजिट में एक्स आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें किस तरीके से याद होंगे, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो खत्म होते ही आपको ये जो सारे लेटर हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए के बारे में बात करें, तो ए के अपोजिट में जेड है। तो ए के अपोजिट में जेड है, तो इसको अपन इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि पूरी ABCD है वो किस में सिमटती है? ए टू जेड। अपन बहुत बार बोलते हैं ये वर्ड ए टू जेड, ए टू जेड वर्ड है वो अपन बहुत बार काम में लेते हैं। आप सभी को भी याद है ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। वरना आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक वर्ड होता है आज़ाद। अगर आज़ाद वर्ड आपको याद है, और ऑब्वियसली बात है आपको याद है, तो ए के अपोजिट जेड इसमें भी यहाँ पर आता है। तो आप इस तरीके से भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। आपको तो कहने का मतलब याद होना चाहिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तरीके से आप याद करो। तो ए का अपोजिट जेड होता है, और ध्यान रखनी होगी कि बात यह है, जिस भी दो लेटर या एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे, तो उन दोनों के अंकों का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा? 27 होगा। जैसे ए है वो एक नंबर पे आता है, और जेड है वो 26 नंबर पे आता है। तो एक और 26, इन दोनों का टोटल कितना होता है? 27 होता है। और ये हमेशा इसी ही तरीके से होगा। अगर दोनों का जोड़ 27 नहीं आता है, इसका मतलब आपने अपोजिट सही नहीं लिखा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है। बी है वो 2 नंबर पर आता है, और जो वाई है वो कितने नंबर पर आता है? 25 नंबर पर आता है। तो 25 और 2 कितने होते हैं? 27 होते हैं। उसी तरीके से सी है वो 3 नंबर पे आता है, और एक्स है वो 24 नंबर पे आता है। तो 24 और 3 कितने होते हैं? 27 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी अपोजिट लेटर होते हैं उन दोनों का आप जोड़ करके देख लेना एक बार, अगर वो 27 आते हैं तभी वो अपोजिट होंगे, वरना वो अपोजिट नहीं होंगे। तो ये एक अलग से नियम बनता है इसके बारे में, जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ए से जेड का मैंने आपको बता दिया, ए टू जेड, या फिर आज़ाद से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा जो है बी से वाई, बी से वाई इसको आप बाय बाय इस तरीके से बोलते हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अपन बोलते हैं बाय बाय, वरना बड़े भी बोलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वरना बाय बाय के अलावा आप बॉय वर्ड है उससे भी बी से वाई, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, उससे भी आप याद रख सकते हैं बाय बाय, या फिर बी ओ वाई, बॉय से भी बी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? वाई होता है। उसके बाद देखिए, सी का जो अपोजिट होता है वो अक्स होता है। इसको किस तरीके से याद रखना है? सी का अपोजिट अक्स है, इसको क्रक्स के नाम से याद रखना है। आपको जो यामाहा मोटरसाइकिल आती थी पहले के ज़माने में आती थी, आजकल आती है लेकिन उसके बड़े वर्जन आते हैं, यामा क्रक्स जो बाइक है वो आजकल बंद हो गई है। तो देखिए, उसमें यामा क्रक्स नाम का एक मॉडल आता था, तो वो अगर किसी की चलाई हुई है तो उसको पता है यामा क्रक्स नाम से जो एक मोटरसाइकिल आती थी उससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो सी से अक्स, क्रक्स, ठीक है। तो इन दोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 27 होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डी 4 नंबर पर, और डब्ल्यू होता है वो 23 नंबर होता है। एक बार आप वीडियो को देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप केवल और केवल उसे सुनिए, कुछ भी नोट डाउन आप मत कीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना। आपको मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे जो वर्ड है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, डी है वो 4 नंबर पर आता है, और डब्ल्यू है वो 23 नंबर पर आता है। इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। तो डी है और डब्ल्यू, तो दूध वाला, डी से
दूध और डब्लू से वाला, दूध वाला, यानी कि डी और डब्लू इन दोनों का आपको योग करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, 4 और 23 से 27, इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई लिखा गया है और यहाँ पर वी लिखा गया है। अब आपको एक वर्ड है LOVE, शायद आप सभी इस वर्ड से परिचित हैं, LOVE आप सभी को पता भी है। इसमें आपको करना क्या है, बीच में ऐसे लाइन खींचनी है, तो क्या हो जाएगा, एल और ओ, एल और ओ ये दोनों हो जाएंगे, और बाद में वी और ई, वी और ई, तो ये दोनों, यानी कि LOVE में जब एल ओ और वी ई आपको इस तरीके से अलग अलग लिख देना है। अब आपको क्या करना है, जो ई है वो तो वी के अपोजिट है, या फिर वी है वो तो क्या है, ई के अपोजिट है। उसी तरीके से एल है वो तो ओ के अपोजिट होगा, और ओ होगा वो किसके अपोजिट होगा, एल के अपोजिट होगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, और आप सभी को ये वर्ड याद भी है, तो इसके मायने कहाँ कहाँ पर इसको काम में लेना है वो आप समझ लीजिए। एल ओ वी में एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और वी ई में वी और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अपना क्वेश्चन यहीं पर यही था कि ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, या फिर वी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, 22 और 5 इनका दोनों का जोड़ कितना होता है, 27 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया एफ और यू, एफ और यू, एफ है वो 6 नंबर पे आता है और यू है वो 21 नंबर पे आता है। देखिए 6 और 21 नंबर पे, ये भी मैं आपको सारे याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस देखते रहिए वीडियो को। देखिए 6 और 21 इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब एफ और यू को आपको याद किस तरीके से करना है, पता है, FATHER, फादर, और यू का अंकल, ठीक है, तो फादर और अंकल ये दो एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए यहाँ पर। तो एफ को और यू को आपको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट लेटर में चलें तो यहाँ पर लिखा है GT, जी और टी। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से याद रखना है जीटी को, एक जीटी रोड है जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी अपन जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी के द्वारा जो रोड बनवाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जिसको जाना जाता है, उसी के यहाँ पर लिखा गया है जीटी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड और ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, और एक दूसरे के वर्ड है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और 20 और 7 का जोड़ कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है एच और यहाँ पर लिखा गया एस, एच है वो 8 नंबर पर और एस है वो 19 नंबर पर। अब 19 और 8 कितने होते हैं, 27 हो गए, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से याद रखने हैं, एच एस यानी कि हम सफ़र, बहुत बार आप काम में लेते हैं इस वर्ड को, हम सफ़र, आपको याद भी है और याद हो जाएगा, एक बार पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद में खुद से नोट डाउन करना एक बार, आपको याद हो जाएगा एच एस यानी कि हम सफ़र, और ये एच और एस एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से आगे लिखा गया आई यानी कि 9 नंबर पे आता है, और आर यानी कि वो 18 नंबर पे आता है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंडियन रेलवे, आई का मतलब इंडियन और आर का मतलब रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे आई आर, और इन दोनों का जोड़ 27 होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा गया है जे, जे 10 नंबर पे, और क्यों, क्यों 17 नंबर पे, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 27 होता है, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसको आपको याद किस तरीके से करना है, जे क्यू का मतलब, जे का मतलब जेब, और क्यों का मतलब कतरा, क्यों कतरा 17, और ये 17 नंबर पे आता है, क्यों कतरा 17, 17 नंबर पे क्यों आता है, और जे क्यों का अपोजिट होता है, इसका मतलब जेब कतरा, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यों होता है, या फिर क्यों का अपोजिट क्या होता है, जे होता है। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया के और यहाँ पर पी, तो के पी यानी कि काला और पानी, काला पानी, काला पानी की जो सजा होती थी आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, काला पानी की सजा, तो बस वही है, आपको वहां से ये वर्ड उठा लेना है और ये याद रखना है, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, या फिर पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, तो ये के से काला और पी से पानी। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपको देखा है एल और ओ, मैंने आपको बताया था LOVE, इन दोनों को अलग अलग करना है यहाँ से, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ई का अपोजिट वी, या फिर वी का अपोजिट ई, अब बात कर रहे हैं एल का अपोजिट ओ, या फिर ओ का अपोजिट एल, तो वही की बात है, इन दोनों का टोटल कितना होता है, 27 होता है, और ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और लास्ट आपको दे रखा है एम और एम का अपोजिट एन, तो ये एम है वो प्रथम अर्धांश का लास्ट लेटर है, और एन है वो द्वितीय अर्धांश का फर्स्ट लेटर है, तो ये भी आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, 27 इनका जोड़ होता है, और एम एन इसको आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एम एन का मतलब माई नेम, माई नेम इस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बिल्कुल इजी तरीके से अपन ने पूरे जो 26 लेटर हैं उनको आसानी से एक बार देख लिया है कि कौन कौन से किस किस के अपोजिट होते हैं। एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। देखिए ए टू जेड या फिर आज़ाद, बाय बाय या फिर बॉय, यामा क्रक्स बाइक आती थी, तो सी से अक्स, क्रक्स अपोजिट, दूध वाला डी डब्ल्यू दूध वाला,
एल ओ वी ई, एल ओ वी ई, वी ई के अपोजिट ई, वी के अपोजिट, एल ओ के अपोजिट ओ, एल के अपोजिट, एफ यू यानी कि फादर अंकल। उसके बाद में आपको दे रखा है जी टी ग्रांड ट्रंट रोड, शेर शाह सूरी के द्वारा जो बनवाई गई थी, ग्रांड ट्रंट रोड जी टी रोड। हम सफर एच एस हम सफर, आई आर यानी कि इंडियन रेलवे, जे क्यू यानी कि जेब कतरा, जेब कतरा, और बाद में के पी यानी कि काला पानी की जो सजा थी, के पी के नाम से अपन ने इसको याद किया था। उसके बाद में एल ओ वी ई लव, एल ओ वी ई, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट, एम एन माई नेम, एम एन, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात की अपोजिट के बारे में, शायद मेरे ख्याल से आप सभी को ये याद हो गए होंगे। एक बार आप खुद से इनको लिखना और अच्छे से एक दूसरे के अपोजिट करने की कोशिश करना। इनके अंकों का योग है इन, वो आप 27 करके देखना, अगर 27 होता है तभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। अब देखिए अपन बात करते हैं एक एक लेटर को, एक एक लेटर को अपन अब याद करते हैं स्टार्टिंग से, ए से लेकर जेड तक, कि कौन सा लेटर है वो कितने नंबर पर आता है, उसको अपन किस तरीके से याद करें। पूरे के पूरे 26 लेटर के बारे में आपको बताऊंगा और बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं ए से। अब देखिए ए बी सी डी, ये आप सभी को याद है, ए बी सी डी स्टार्टिंग के वर्ड है, ए बी सी डी, एक दो तीन चार, इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी ई, इतने तक आपको बताने की जरूरत नहीं है, ई है वो 5 नंबर पर आता है, ठीक है। बात करते हैं एफ से, तो एफ को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, एफ एफ फिक्स फोर सिक्स, फिक्स फोर सिक्स, ठीक है, सिक्स का मतलब 6, तो ये एफ है, एफ के लिए एक लाइन है फिक्स फोर सिक्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एफ है वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। उसके बाद में एफ के बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, जी लिखा है, ठीक है। तो जी को देखिए, जी जो लेटर ना वो इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब ये जो लेटर लिखा है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लास्ट का लेटर है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पर घुमाव है इसका इस तरीके से, तो ये जो लेटर ना वो अपन नंबर कितना है, ये 7 नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतना भाग है ना, ये 7 नंबर है, और इसलिए जी है। जी को आपको देखते ही इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि जी अपन इस तरीके से लिखते हैं, और ये जो डंडी बाहर निकलती है ना, ये क्या है, 7 है, और जी है वो कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है, ठीक है। एफ फिक्स 4 6, 6 नंबर पर, और जी की ये लास्ट वाली डंडी आपको देखनी है, 7 नंबर पर आता है। उसके बाद में बात करते हैं एच की, तो एच है इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, इस लाइन को मिला देना है और इस लाइन को मिला देना है। अब ये जो लेटर है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे एच है इसके ऊपर, अगर ऊपर मिलाया और नीचे मिलाया, यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके से अपन ने इसको मिला दिया, और ये 8 से मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अपन को तो याद करना है ये, से ना करके अपन को ये जो वर्णमाला है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एच है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है आई, ठीक है, तो आई नो कोई भी चीज़ होती है, अपन बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, आई नो यानी कि मैं जानता हूँ। कोई भी बात अपन को कोई पूछता है क्या तुम जानते हो, तो क्या बोलते हैं, आई नो मैं जानता हूँ, यानी कि आई है वो कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, ठीक। उसके बाद में जे, तो जे है वो 10 नंबर पर, देखिए इसको याद रखने की एक लेटर है, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ये जो लेटर है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, इजोटी, ठीक है। इजोटी का मतलब देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, इजोटी का मतलब है ई है वो 5 नंबर पर आता है, जे है वो 10 नंबर पर आता है, ठीक है, ओ है वो 15 नंबर पर आता है, टी है वो 20 नंबर पर आता है, और वाई है वो 25। इजोटी अगर आप लेटर याद रखोगे तो 5, 10, 15, 20 और 25, ये जो 5-5 के गैप से जो वर्ड है वो आपको सारे याद हो जाएंगे, और वहीं से अपना जे है वो अपन को याद होगा। देखिए ये तो याद रखने का तरीका है, वरना जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, ये जो नियम है इनको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, ये जो वर्ड है ना वो आपको अंगुलियों के ऊपर आपके दिमाग में इस तरीके से सेट हो जाएंगे। जे दिखते ही आप बोलोगे 10 नंबर पर आता है, के दिखते ही आप बोलोगे 11 नंबर पर आता है। अब देखिए के बारे में अगर अपन बात करें तो के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है, के 11, के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर आता है। और याद रखने का तरीका ये है, इजोटी से अपन ने याद किया, जे है वो 10 नंबर पर आता है, और जे के तुरंत बाद में क्या आता है, के आता है, तो के कितने नंबर पर आ गया, 11 नंबर पर आ गया। उसके बाद देखिए के बाद में यहाँ पर लिखा है एल, ठीक है, तो एल को याद रखने का तरीका यह है, एल अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, एक तो अक्षर है, एल का मतलब क्या है, एक अक्षर है और दो डंडियां हैं, एक डंडी इस तरीके से है और दूसरी डंडी इस तरीके से है, यानी कि एक अक्षर और दो डंडियां, यानी कि एक अक्षर दो डंडियां, एक अक्षर दो डंडियां, यानी कि ये कितने नंबर पर आ गया, 12 नंबर पर आता है। एल कितने नंबर पर आता है,
12 नंबर पर आता है। और एम का तो मैंने आपको थोड़ी बताया था, प्रथम अर्धांश का लास्ट लेटर, और वो कौन सा है, एम है। एम है वो अंग्रेजी वर्णमाला का बीच का अक्षर होता है, 13 नंबर पर आता है। टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो एम तो आपको वैसे ही याद है, ठीक। और एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माई नेम से अपन ने इसको याद किया था, तो यहां तक अपन ने बात कर ली। अब देखिए बात करते हैं एन के बारे में, तो एन के बारे में बात करें तो एम है वो 13 नंबर आता है, और उसके तुरंत बाद में क्या आता है, एन आता है। तो ये तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको याद हो जाएगा एन कितने नंबर आता है, 14 नंबर पे आता है। उसके बाद में ओ, तो ओ कितने नंबर आता है, 15 नंबर पे आता है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी इजोटी, ई जे ओ टी वाई, तो उसमें मैंने आपको बताया था ई है वो 5 नंबर पे आता है, जे है वो 10 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे, और टी 20 20 नंबर पे, और वाई है वो 25 नंबर पे आता है। तो यहाँ से ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो ओ यहाँ से कितने नंबर पे आ गया, 15 नंबर पे आ गया, ठीक। उसके बाद में पी, तो पी है वो 16 नंबर पे आता है। देखिए इसको किस तरीके से याद रखना है, पी है वो 16 नंबर पे आता है। पहले के ज़माने में एक पार्ले जी बिस्कुट आता था, अभी भी आता है पार्ले जी बिस्किट, तो उसमें क्या होता था, अभी वाला जो पैकिंग आती है वो क्या आती है, छोटी आती है। पहले वाले जो पार्ले जी बिस्किट की पैकिंग आती थी वो थोड़ी बड़ी आती थी, ठीक है। उस पर जो बच्चा छपा होता है वो पहले भी वही था और आज भी वही है, वो अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पार्ले जी बिस्किट है वो छोटा हो गया है उसकी पैकिंग। तो पहले के ज़माने में जो पार्ले जी बिस्किट आता था उसमें जो बिस्किट आते थे टोटल, वो कितने आते थे, 16 आते थे, और आते भी थे, आते थे या नहीं आते थे आपको उससे मतलब भी नहीं है, आपको ये इस तरीके से याद रखना है, पी फॉर पार्ले जी, और पार्ले जी में कितने बिस्किट आते थे, 16 बिस्किट आते थे। आपको दिमाग में थोड़ा सा अगर आप 2-3 बार इस लाइन को दोहराएंगे, पी फॉर पार्ले जी, और पार्ले जी की पैकिंग में कितने बिस्किट आते थे, 16 बिस्किट आते थे, तो आपको ये जो लेटर है ना वो आराम से याद हो जाएगा, पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखिए आगे वाला लेटर है क्यू, तो क्यू कतरा 17, क्यों कतरा 17, 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों आता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया आर और एस, आर और एस इसको आपको याद रखना है 18 और 19, आर एस 18 19, आर एस 18 19, आर एस 18 19, इसको आप 5-4 बार बोलिए, आर एस 18 19, आर एस 18 19, आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको याद रखने का तरीका है, और कोई वैसे तरीका भी नहीं है। हाँ टी फोर 20, 20-20 जो क्रिकेट मैच होते हैं उस तरीके से उसको याद हो जाएगा आदमी टी तो, लेकिन आर और एस को आपको ऐसे ही याद रखना है 18-19, आर एस 18-19, और ये आपको याद हो जाएंगे आसानी से। जब आप क्वेश्चन करोगे ना इसको इंप्लीमेंट करोगे वहां पर, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आर एस 18-19 आप आराम से इसको क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। वैसे टी 20-20 मैंने आपको बता दिया, टी 20 जो अभी आईपीएल चल रहा है उस तरीके से अभी आप इसको याद रख सकते हो, टी कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, वरना इजोटी से भी आप इसको याद रख सकते हो। अभी अपनी बात की थी ई जे ओ टी वाई, तो टी है वो 20 नंबर पर आता है, और वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है, तो टी से क्या हो गया यहाँ पर, 20 हो गया। बाद देखिए यहाँ पर यू, ये जो यू है ना वो प्रथम एबीसीडी का है, और जो चौथी एबीसीडी होती है उसमें यू कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से, ये जो इतना घुमाव है ना, ये आपको कौन सी संख्या का फील दे रहा है, दो का फील दे रहा है, यानी कि दो संख्या है वो इस तरीके से तो लिखी जाती है, और इस तरीके से आगे बाद में यू लिखा गया है। तो ये जो इतना लेटर है ना, इतना लेटर ये क्या है, दो है, ठीक है। तो ये तो दो हो गया, उसके बाद में ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये क्या है, एक है। तो देखिए आप जब यू है ना, इस यू को इस तरीके से देखेंगे ना, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये दो है और ये एक है, यानी कि यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पे आता है। इसकी लिखावट से ही अपन को ये समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से अपन ने जी के बारे में पढ़ा था, जी के बारे में ये जो लास्ट वाली डंडी है इसकी नीचे आती है इस तरीके से, तो अपन को पता चल जाता है जी लिखते ही ये कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। उसी तरीके से यू कहीं पर आपको लिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे तो ये कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है, इसलिए यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। आगे देखिए बाद में वी लिखा गया है, तो वी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी एल के बारे में, एक अक्षर दो डंडियां, और वी में देखिए यहां पर ए इस तरीके से लिखा गया है, वी इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो इसमें कितनी डंडियां हैं, दो हैं, और इसको 2 बार लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये कितने हो गया, 22 नंबर पे, वी कितने आता है, 22 नंबर पे, और अगर इन्हीं डंडियों को अगर अपन आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दो डंडियां हैं और उसके 4 टुकड़े हो गए, दो डंडियां हैं और इसके कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, यानी कि अक्ष है वो कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है। अक्ष कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है। ये थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी ए बी सी डी, यानी कि 4 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर आपको एक सी लेटर है, इसके बाद में एक एम लेटर है, और उसके बाद में एक एम को उल्टा लिख दिया तो ये डब्ल्यू हो गया। अब सी है वो कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, सभी को याद है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, सभी को याद है। तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, और एम को उल्टा लिखते ही डब्ल्यू लिखा गया, और यहाँ पर भी लास्ट में 3 आएगा। अब यहाँ पर तो 0 यानी कि ये 3 नंबर पर आता है, यहाँ पर 1 यानी कि ये 13 नंबर पर आता है, और यहाँ पर 2 यानी कि ये 23 नंबर पर आता है। तो ठीक है, 3 13 23, सी एम और एम का उल्टा डब्ल्यू, एम का उल्टा वैसे डब्ल्यू नहीं होता, लेकिन एम को अगर उल्टी तरीके से अपन इस तरीके से लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
तो 0, 1, 2 और लास्ट में तीन, तीन सबके कॉमन है। तो इस तरीके से आपको ये डब्लू को याद करना है। वी का मैंने आपको बता दिया, अक्स का मैंने आपको बता ही दिया, दो डंडियां चार टुकड़े, दो डंडियां चार टुकड़े, कितने नंबर आता है? 24 नंबर आता है। और वाई इजोटी के नाम से भी अपन ने इसको याद किया था, वाई है वो कितने नंबर आता है? लास्ट में 25 नंबर पे आता है। और जेड का तो आप सभी को पता ही है, 26 पे आता है। और तो वाई का आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, इजोटी से आप याद करो तो ठीक है, वरना आपको पता है कि इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, और लास्ट में जेड होता है, और उससे पहले वाला क्या होता है? वाई होता है। तो वो कितने पर हो गया? 25 पे हो गया अपने आप ही। देखिए, कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। और ये जो नियम मैंने आपको बताया ना, ये जब आप क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नियम है वो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जैसे भी इंग्लिश की आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, तो ये जो सारे नियम है ना वो आपके दिमाग में घूमेंगे चलेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारे नियम आपके अपने आप दिमाग में आएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इसके ऊपर पकड़ बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट है वो याद रखने में मदद मिल सके, और वो भी एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकें। यहाँ पर आपको हर तरीका स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।